हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनलर दिस इज ऑन्यू एडिड स्टेटमेंट इन द लास्ट लेक्चर वी होता क्या है एंड व्हाट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंडर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट सो देखिए आपको पहले आप वो लेक्चर अच्छे से अच्छे से जो इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था दैट इज ऑन थीटी क्लास राइट आप उसको पहले अच्छे से देखना उसके बाद ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप ट्राई करना राइट एंड मेक श्योर क्लास जो मैंने लास्ट क्लास में यानी कि लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने नोट्स लिखवाए थे इंपोर्टेंट नोट्स नीचे जो मैंने लिखवाए थे उसको बहुत ध्यान समझना उसके बाद ही आपको समझ समझाएगा नहीं समझ आएगा राइट right? देखिए अगर आपने बेसिक अच्छा समझ लिया फिर तो मैं कहूँगा इसमें आपके फुल मार्क्स से आना कोई दिक्कत ही नहीं है

बट कोई नहीं अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे ईजी है चलिए देखते हैं हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमें सेल्स गिवन है अदर इनकम गिवन है टोटल इनकम गिवन है देखिए आपको याद रखना वैल्यूड स्टेटमेंट का हमने जो है लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था उसका पूरा फॉर्मेट एक बनता है आपका वैल्यू एडिड स्टेटमेंट और एक बनता है वैल्यू एडिड एप्लीकेशन राइट इसमें सारी आपकी कॉस्ट आती है और इसमें सारी क्या होती है आपके अलॉटमेंट होती है अरे बेसिकली राइट तो यहाँ पर देखिए सेल्स आप देखिए वी ए स्टेटमेंट में चला जाएगा इनकम ऐड हो जाएगी टोटली totally गिवन आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बननी तो ये पूरी एंटायर कॉस्ट आपकी कॉस्ट बन जाएगी एक्साइज ड्यूटी देखिए एक्साइज ड्यूटी याद रखना अगर मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आगे कि अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तब तो, तो उसके अकॉर्डिंग करना है बट अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मांग चलना है इसको आपको क्या लेके चलना है ये ये लेके चलना है means, ये को आपकी कौन आपको देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी जो है आपका मेनलीसुफेक्चरिंग होता है तो इसपे भी मैनुफेक्चरिंग जब आप टैक्स पे करते हो तो इसे आपका आईटीसी होने के चांसेस कम होते हैं आई टी सी मीन दट इज इनपुट बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन दैट यू आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट राइट तो इसलिए कह सकते हो कि नाइनटी परसेंट केस में एक्सेस ड्यूटी आपकी जो कॉस्ट ही मानी जाएगी राइट right? अच्छा नेक्स्ट है दैट इज द इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑफ ड्राफ्ट अमाउंट आपको 186. अच्छा इंटरेस्ट ऑन बैंक आपका क्या होता है ये शॉर्ट टर्म लोन है आपका ये राइट एंड शॉर्ट टर्म लोन जो है आपका जो है, क्या होता है कॉस्ट बन जाती है आपकी ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म 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 लोन, लोन तो तो ये 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 आपकी बन जाएगी, इंटरेस्ट में लॉन्ग लॉन्ग है चला जाएगा, डेप्रिसिएशन आपका ये अलॉटमेंट right? तो में चला जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बनोट प्रोविजन फॉर टैक्स राइट चलिए अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन represents their invoice bill of goods supplied after deducting discounts, return and and GST. था 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 Second point, operating cost includes as wages, salaries and other benefits to employees. आपको पता है ये सब आपके जो है इम्प्लॉयिफिट एक्सपेंसिस हैं, राइट तो एम्प्लॉयिफिट एक्सपेंस कहा जाता है आपको याद होगा हम लिखते ना, ना?

आकर लिखा है दी चार्ज फॉर टैक्सेशन इंक्लूड ट्रांसफर रुपीज अच्छा ये रुपीज नाइनटी नहीं याद रखना यहाँ पर नाइनटी थाउजेंड मांगे चलना इसको, चार्ज इंक्लूड व, 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 तो पर देखिए जो टैक्स देना था दैट इज फाइव हंड्रेड फिफ्टी का उसमें से नाइंटी तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं राइट तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जब हम हैं पे टू गवर्नमेंट

देखिए मान लीजिए होता है कैबर क्या होता है कि फिर कोई कंपनी जब कोई फिक्स सेसर खरीदती है अब हो सकता है कि मशीनरी खरीदी अब वो बहुत बहुत काफी खरी महंगी खरीदी है तो क्या होता है क्या बार वो मशीनरी बहुत खराब ही है कंपनी को कह समाइम क्या होता है कि आफ्टर समटाइम उसको रिप्लेस करना होता है बट फिर भी देखिए कुछ ना कुछ तो कोर्स बियर करना पड़ता है कंपनी को तो कंपनी क्या करती है उसके लिए पहले से एक रिजर्व बनाकर चलती है दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट तो कंपनी क्या कर जितने भी कंपनी ने जितना प्रॉफिट आर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर उसमें से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज रिप्लेसमेंट रिजर्व, रिजर्व रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा डिक्लेयर पेड अमाउंट अच्छा कहाँ जाएगा जब लिखे ना पे टू शेयर होल्डर्स तो वहां लिखेंगे इसको हम देन रिटर्न प्रॉफिट जो है टेन थाउजेंड रुपीज का है नाउ नीड टू रिक्वायर वैल्यूड स्टेटमेंट एज एज दैट इज बिफोर करेंगे पहले हम देखते हैं इसकी वैल्यू स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे ध्यान सीखिए से आपको सेल्स गिवन है

अब बनाएंगे वैल्यू एडिड स्टेटमेंट तो देखिए वैल्यू एडिड स्टेटमेंट क्या है अब हमें देखना चाहते रहे हैं देखिए वैल्यूड एप्लीकेशन का मतलब क्या है यानी कि ये जो अमाउंट है इसका मेजरली मेजरलींट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन अब किसको जा रहा है वो देखना चाह रहे हैं हम देखिए इम्प्लॉयज पे टू एम्प्लॉइज देखिए अमाउंट कहाँ से आया था यहाँ से आया था ट्वेंटी थाउजेंड फोर नाइनटी फोर वही मैंने अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है पे टू गवर्नमेंट मैंने बताया था फाइव फिफ्टी माइनस नाइनटी तो ये था अमाउंट हो गया इंटरेस्ट और ये आपका लॉन्ग टर्म लोन वाला है दिस मच अमाउंट डिविट शेल्डर कितना चला गया बाकी देखिए यहाँ पर प्रोवाइड और एंड एक्सपेंशन तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा का आपका आएगा तो ये डेप्रीसी तो तो आपका आ जाएगा राइट एंड फिर क्या नाम है प्रॉफिट से देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका डेप्रीशन कितना है फाइव हंड्रेड टेन रिप्लेसमेंट रिजर्व देखिए यहाँ पर फिफ्टी है डेफर टैक्स नाइन्टी है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था कि डेफोटैक्स यहाँ पर कितना है नाइन्टी रुपीज़ का है वो यहाँ चला गया अच्छा ये टैक्स की आपकी लाइबिलिटी है राइट देन रिटेन प्रॉफिट इतना हो गया बचा लिया राइट तो ये कहाँ चला गया सेवन सिक्सटी बस टोटल अमाउंट ऑफ दया सेम ट्वेंटी फोर थाउजेंड हंड्रेड एटीन उसके बाद हमने क्या करा इन सब का हमने प्रपोशन करा यानी कि कितने कितना कितना परसेंट है यानी कि इंप्लॉज को कितना जा रहा है एट्टी फोर पॉइंट नाइन सेवन गवर्नमेंट को वन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट फाइनेस को कितना जा रहा है नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट शेलरों को पॉइंट थ्री एट एंड मेंटेनेंस uh, और एक्सपेंशन कितना खर्चा हो रहा है दैट इज़ थ्री पॉइंट वन फाइव राइट देखिए स्टूडेंट्स इस वैल्यू एडिड एप्लीकेशन का पर्पज़ का ध्यान सुनिए देखिए जब आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में या फाइनेंशियल जब आपने फर्स्ट ईयर में फाइनेंस अकाउंट में आपने जब पी एंड स्टेटमेंट बनाई थी तो पी एंड स्टेटमेंट बेसिकली क्या शो करता है कि कंपनी के जितने भी सेल्स हुई है उसमें से आप क्या करते हो कंपनी के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो प्रॉफिट आपके हाथ में आता जाओ और प्रॉफिट जो वो प्रॉफिट आता था आता आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसके बाद इसमें सब सारे हम इंटरेस्ट माइनस करते थे राइट फिर आप इसमें भी टैक्स माइनस करते थे और फिर आपको क्या आता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फिर इसमें से जो है कंपनी यहाँ पर जो है डिविडेंड डयर करती थी चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो प्रोफेंशल होल्डर राइट यही होता था लेकिन अगर आप देखा जाए ध्यान से जब आप ये स्टेटमेंट देखते हो तो आपको ये नहीं पता चलता था कि कंपनी ने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है यानी कि एक तरह से देखा जाए तो